गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएनएस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आपके साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो आप सभी को पता है मैं आईटीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, मैनिक्योर पेडिक्योर के बारे में आगे शुरू करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे पहले पार्ट्स नहीं देखे तो उनको भी जरूर देख लीजिए ताकि आपको टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो समझ में आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ मैनीक्योर के बारे में। पिछली अगर आपने पार्ट फोर वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनीक्योर क्या होता है, इसके क्या पर्पस होते हैं, क्या बेनिफिट्स रहेंगे और क्या मसाज के टाइप्स होती हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैनीक्योर के बारे में, कितने तरीके के मैनीक्योर जो हैं वो किए जाते हैं। फर्स्ट इज अ रेगुलर मैनीक्योर। देखो, रेगुलर मैनीक्योर में क्या किया जाता है कि आपके हाथ जो है एक वॉर्म वाटर में सोक कर दिए जाते हैं और उसके बाद आप लोगों का नेल क्लीनिंग का प्रोसीजर होता है, देन उसके बाद मसाज की जाती है और अप्लाई किया जाता है नेल पेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेंच मैनीक्योर। फ्रेंच मैनीक्योर में क्या होता है गाइस कि आप लोगों को जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो होते हैं रेगुलर मैनीक्योर की तरह ही फॉलो हैं, बस जो नेल पेंट लगाने का स्टाइल होता है इस डिफर होता है। वो कैसे कि आपको नेल टिप पे जो है कोई भी आप नेल टिप पे ही नेल पेंट लगाते हैं, बाकी पे आप टॉप कोट और बेस कोट को अप्लाई करते हैं एज अ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होते हैं, जो इससे आप लोगों को पिक्चर में भी दिख रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज स्पा मैनीक्योर। स्पा मैनीक्योर में क्या होता है, रेगुलर मैनीक्योर इसमें भी रेगुलर मैनीक्योर की तरह ही फॉलो किया जाता है, बस लास्ट में जो है आप लोगों का मास्क लगाया जाता है, हाइड्रेटिंग मास्क जिसे कहते हैं, या अरोमेटिक सॉल्ट रब सॉल्ट होता है उसको हैंड्स पे रब करके रब किया जाता है जो बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो इस तरह से स्पा मैनीक्योर किया जाता है। नेक्स्ट इज आप लोगों का आता है पैराफिन मैनीक्योर। देखिए, पैराफिन मैनीक्योर में सारा प्रोसीजर जो है एज अ रेगुलर मैनीक्योर के तरह फॉलो किया जाएगा, पर ये जो है किन लोगों के लिए होता है जिनके हाथों में बहुत डिहाइड्रेटेड होती है, ड्राई स्किन हो रही होती है उनके, बिल्कुल बहुत फ्लेकी स्किन होती है, कि उनके लिए बेस्ट रहता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे नेचुरल बहुत मेडिकेटेड ऑयल्स होती हैं जो आप लोगों की ड्राई स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग के करता है, तो इसलिए हम पैराफिन मैनीक्योर किया जाता है। नेक्स्ट इज हॉट स्टोन मैनीक्योर। हॉट स्टोन मैनीक्योर में क्या है, स्पेशल स्टोन्स विच इंसुलेटेड हीट आर यूज टू मसाज योर हैंड्स फॉलोड बाय स्टेप रेगुलर मैनीक्योर। देखो, इसके अंदर भी स्टेप जो है वो रेगुलर मैनीक्योर की तरह ही किए जाएंगे, पर इसके अंदर जो वो जो हॉट स्टोन होते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनसे काफ़ी अच्छा प्रेशर्स के थ्रू मसाज हो जाती है और बहुत अच्छे रहते हैं वो स्टोन्स आपके रिलैक्सिंग के लिए, आपको पेन रिलीफिंग के लिए। तो सब चीज़ बहुत उसके अंदर बहुत स्टोन्स, बहुत ही अच्छा मैनीक्योर ये होता है। नेक्स्ट इज लग्जरी मैनीक्योर। लग्जरी मैनीक्योर क्या होता है, मैनीक्योर इसके अंदर एक्स्ट्रा पैम्परिंग होती है। देखो, एक तो अगर आप लोग सिर्फ में जाओगे कहीं भी जाओगे तो उतना रेगुलर मैनीक्योर जो है फॉलोइंग नॉर्मल आप लोगों का स्टफ्स होते हैं वहाँ पर, लेकिन जो लग्जरी मैनीक्योर होता है उसमें पर्टिकुलरली एक बहुत लग्जरी आप लोगों की चेयर होती है, लग्जरी मसाज होती है जो बाय थ्रू इलेक्ट्रिकली होती हैं, तो उसे हम कहते हैं लग्जरी मैनीक्योर। नेक्स्ट इज ब्राज़ीलियन मैनीक्योर। ब्राज़ीलियन मैनीक्योर में क्या होता है, इज़ अ नेचुरल नेल ट्रीटमेंट मेथड इंक्लूड नो यूज ऑफ केमिकल क्रीम्स और वाटर। दिस ट्रीटमेंट हेल्प्स टू ग्रो स्ट्रेंथन योर नेल्स। देखो, ये जो मैनीक्योर किया जाता है किस लिए किया जाता है, इसके अंदर कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं होता, कोई पानी क्रीम किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता, सिर्फ ट्रीटमेंट किया जाता है नेल्स का ताकि जो नेल्स हैं वो ग्रो कर सके और उन्हें मिले एक ताकत, स्ट्रेंथ मिले उनको, मजबूती मिले, तो ये ब्राज़ीलियन मैनीक्योर इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट इज यूरोपियन मैनीक्योर। यूरोपियन मैनीक्योर में क्या होता है, इसके अंदर जो मैनीक्योर है फॉलो तो वैसे ही होता है जैसे रेगुलर मैनीक्योर होता है, पर इसके अंदर एक हर्ब्स होती हैं वो ब्लेंड की जाती हैं पानी के अंदर और उस तरह से ही यूरोपियन मैनीक्योर जो है परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज हॉट ऑयल मैनीक्योर। हॉट ऑयल मैनीक्योर में क्या होता है, या उसमें आप लोग
जो मैनीक्योर होता है रेगुलर फॉर्म में ही होगा, परंतु जो मसाज होगी वो हॉट ऑयल से मसाज की जाती है, जो आपको बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज देती है आपके स्किन को और हैंड्स नेल्स क्यूटिकल्स को. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल मैनीक्योर. अब इलेक्ट्रिकल मैनीक्योर में क्या होता है, मैनीक्योर बिल्कुल रेगुलर की तरह किया जाएगा, बस उसके अंदर जो रेगुलर मैनीक्योर में हम टूल्स यूज़ करते हैं वो टूल्स नहीं यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल मैनीक्योर में इलेक्ट्रिकल्स टूल्स होते हैं उनका ही यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में भी दिख रहा है. तो यही इलेक्ट्रिकल्स टूल्स का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल मैनीक्योर परफॉर्म कर सकते हैं. तो गाइस इसी तरह आप जो है कोई भी मैनीक्योर्स हैं, इतने सारे तरह के मैनीक्योर्स हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड शेयर इट. बाय बाय.